दिल्ली विधानसभा में नए कृषि कानून पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान केजरीवाल ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी। सीएम ने कहा कि दिल्ली विधानसभा केंद्र की कृषि कानूनों को खारिज कर रही है। केंद्र सरकार अंग्रेज से बदतर ना बने और कानून वापस ले। दिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों को निरस्त करने का संकल्प पत्र स्वीकार कर लिया गया है। वहीं इससे पहले केंद्र सरकार पर बरसते हुए केजरीवाल ने कहा कि सरकार और कितनी जान लेगी। अब तक 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। एक एक किसान भगत सिंह बनकर आंदोलन में बैठा है। अंग्रेजों से बदतर ना बने सरकार। सीएम ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने बरेली में रैली की और तीनों बिलों के फायदे समझाने लगे कि तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, मंडी बंद नहीं होगी। बीजेपी वाले बताएं इस कानून से फायदा क्या है। बीजेपी वालों को एक लाइन रटवा दी गई है कि किसान देश में कहीं भी फसल बेच सकता है। हवा में बात करने से क्या होगा, किसानों को नहीं भाजपाइयों को भ्रमित किया गया है। भाजपाइयों को अफीम खिला दी गई है। मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले उस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आजादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।